हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी टेस्टी स्नैक्स। इसके लिए हमने एक बाउल मखाने लिए हैं, लगभग ये क्वांटिटी में 150 ग्राम है। और इसके साथ ही इनको बनाने के लिए हम थोड़ा देसी घी लेंगे, थोड़ा काली मिर्च पाउडर लेंगे, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर देते हैं। स्नैक्स रेडी करने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा ली है और गैस को हमने स्लो टू मीडियम पर ऑन कर लिया है। अब हम लोग कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच छोटी चम्मच से देसी घी। नॉर्मल चम्मच है, घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। घी गर्म होने लगा है, अब हम लोगों ने जो मखाने लिए हैं वो हम लोग इसमें डाल देंगे और इनको 5 से 6 मिनट फ्लेम पर सेकेंगे ताकि प्रॉपर अंदर तक अच्छे से सिक जाएं और ये क्रिस्पी हो जाएं। तभी स्नैक्स खाने में अच्छे लगते हैं जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं। तो चलिए इनको 5 से 6 मिनट इसी तरह से चलाकर हम लोग सेकेंगे। मखाना हमने चला चला कर इसको सेक लिया है और देखिए कितना बढ़िया ये सिक कर रेडी हो गया है। एक मखाना हम लोग उठाएंगे और उसको हम लोग देखिए दबा कर दिखाएंगे। मखाने हमारे देखिए इस तरह से बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। इसे स्टेज पे गैस हम लोग बंद कर देंगे और इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। इनको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा डालेंगे हम लोग काली मिर्च पाउडर, जैसा आप लोग स्वाद पसंद करते हैं, तीखा कम तीखा। और उसके साथ ही हम लोग डालेंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट बहुत अच्छा टेस्ट देता है वाइट सॉल्ट सॉल्ट के कंपैरिजन में। जब आप ब्लैक सॉल्ट डालते हैं स्नैक्स वगैरह में तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इनको मिक्स कर देंगे। बच्चे जब स्नैक्स मांगते हैं आप इस तरह से उन्हें स्नैक्स बना के दीजिए, ये टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी बहुत होते हैं। इनको उछाल कर हाथ से इस तरह से आप मिला दीजिए तो बहुत अच्छे से फटाफट से ये मिक्स हो जाते हैं। लीजिए हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हो गए हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी बहुत होते हैं। ट्राई ज़रूर करिए। यदि आपको आज की रेसिपी पसंद आती है स्नैक्स की तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।